सो है गाइस, तो आज हम लोग बताएंगे जो के टी एम ड्यूक 200 2023 मॉडल का था, तुम लोगों क्या कुछ देखने को मिल गया सब कुछ बताएंगे। सो गाइस, अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल के अंदर ना हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज हम लोग बताएंगे जो के टी एम ड्यूक 200 2023 का मॉडल के अंदर तुम लोगों क्या टॉप स्पीड माइलेज प्राइस सब कुछ बताएंगे। तो प्लीज यार गाइस, वीडियो को लाइक करो, चैनल को बनना हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। और एक गाइस बात है, जो आपका फेवरेट बाइक कौन सा है जल्दी जल्दी भाई कमेंट करके बता दो। तो जैसे भाई मेरा भाई कोई भी एक सुपर बाइक मेरा ड्रीम बाइक है, आपका कौन सा बाइक ड्रीम है वो भी भाई कमेंट करके बता दो। सो गाइस चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस केटीएम ड्यूक 200 ऐसा एक जो बाइक है, जो बाइक के अंदर तुम लोग इनिशियल पिकअप एंड टॉप स्पीड आप लोग बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से देख सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग शॉर्ट रेस के लिए कोई बाइक ढूंढ रहे हो तो भाई केटीएम ड्यूक बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि केटीएम का हर बाइक का यहाँ पे टॉप स्पीड एंड शॉर्ट पिकअप यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। और केटीएम का जो इतना सारा बिल्ड क्वालिटी ना भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगा। मतलब बिल्ड क्वालिटी के अंदर आप लोगों को केटीएम के अंदर 5 से 4 स्टार आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंजन कैपेसिटी, आप लोगों को 199 cc आप लोगों को लिक्विड कूल 4 वाल्व का आप लोग इंजन देखने को मिलेगा। और साथ में ये बाइक के अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स स्लीपर क्लास देखने को मिलेगा। इसके अंदर तुम लोग को बीएचपी यूज किया, 25.8 BHP यूज किया कंपनी वालों ने। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी का बात करेंगे तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.5 लीटर आप लोगों को यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। और इसका माइलेज आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा आगे जाके वो भी हम लोग बता देंगे। तो माइलेज आप लोगों को यहाँ पे 25 से 30 तक आप लोगों को माइलेज देख सकते हो, क्योंकि 200 cc के अंदर आप लोगों को इतना ही कुछ आप लोग देख सकते हो, 25 से 30 तक यहाँ पे माइलेज देखने को मिलेगा। और इसके अंदर तुम लोग को ड्यूएल चैनल ABS एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। ड्यूएल चैनल ABS के अंदर तुम लोग को बहुत अच्छा कुछ ब्रेकिंग कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो आगे जाके बताएंगे जो डिस्क का जो साइज है वो भी आप लोगों को कितना अच्छा मिलेगा वो भी हम लोग बताएंगे। और साथ में ये बाइक के अंदर तुम लोग को डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। तो डिजिटल मीटर जैसे तुम लोग को पुराना वाला ड्यूक 390 और ड्यूक 250 के अंदर जैसे तुम लोग को मीटर देखने को मिलेगा, ड्यूक 200 के अंदर भी सेम टू सेम आप लोग वही वाला मीटर देखने को मिलेगा। और इसके अंदर भाई एक ही चीज कमी है, वो तुम लोग का हैलोजन हेडलाइट लैंप देखने को मिलेगा। और यहाँ पे साइड इंडिकेटर आप लोग LED देखने को मिलेगा, पीछे का टेल लाइट LED देखने को मिलेगा। तो सारे कुछ यहाँ पे LED देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सामने का हैलोजन प्रोजेक्टर लैंप देखने को मिलेगा। और इसका जो रोशनी है ना भाई, ऐसा नहीं जो हैलोजन लैंप है तो बहुत ज्यादा कमजोर है, ऐसा कमजोर का नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल हेडलाइट भी यूज किया KTM ने। और बाइक का वेट यहाँ पे देखने को मिलेगा 150 kg वेट देखने को मिलेगगा। तो चलाने के लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि KTM का बाइक हर बाइक यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। तो गाइस डिस्क का जो साइज है, सामने आपको 300 mm और रियर आपको 230 mm डिस्क का साइज देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइज यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। और सामने आपको USD फॉक्स मतलब अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिलेगा और रियर आपको मोनोशॉक देखने को मिलेगा। तो पहले जैसे बाइक मिलेगा अभी सेम टू सेम आप लोग वही देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा ग्राफिक्स का कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये जो बाइक का कलर देख के आप लोगों को कैसे लग रहा है एक बार प्लीज कमेंट करके बता देना। तो अभी हम लोग बताएंगे बाइक के अंदर टायर साइज को लेकर बात करेंगे। तो टायर साइज यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, टायर साइज आप लोगों को सेम टू सेम वही देखने को मिलेगा। सामने आपको 1/0 x 70 x 17 देखने को मिलेगा और रियर टायर मतलब पीछे का जो टायर होगा 150 x 60 x 17 देखने को मिलेगा, मतलब टायर साइज आप लोगों को सेम टू सेम वही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गाइस सबसे बड़ी तो शॉर्ट पिकअप किंग अगर कोई बाइक माना जाता है तो KTM ड्यूक 200। ड्यूक 200 के अंदर ऐसे कुछ फीचर्स है जिसके वजह से तुम लोग RS 200, अपाची RR 310 के भी भाई कभी कभी टक्कर देता है ड्यूक 200 बाई इनिशियल पिकअप पे। मतलब इसका जो शॉर्ट पिकअप किंग अगर तुम लोग भाई ढूंढ रहे हो तो ड्यूक 200 के अंदर तुम लोग जाना पड़ेगा। और यहाँ पे गाइस प्राइस का बात करेंगे तो ये जो बाइक का प्राइस है एक्सरूम प्राइस का हम लोग बात करें तो 1.9 लाख यहाँ पे एक्सरूम प्राइस देखने को मिलेगा। ऑन टोट आप लोगों आपका सिटी के ऊपर डिपेंड करके जाएगा। तो आप लोगों ये बाइक का लुक कैसे लग रहा है एक बार प्लीज यार कमेंट करके बता देना। और अभी हम लोग बात करेंगे बाइक का लॉन्च डेट, तो ऑलरेडी ये ड्यूक 200 ऑलरेडी गाइस लॉन्च हो गया, 2023 का मॉडल लॉन्च हो गया। तो आप लोगों इसका टेस्ट राइड चाहिए तो भाई कैसे तुम लोग भाई टेस्ट राइड ले सकते हो वो अभी हम लोग बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हारा आसपास का कोई KTM का या फिर शोरूम विजिट करना पड़ेगा। शोरूम के अंदर तुम लोगों को जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे शो करना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस शो करने के बाद तुम्हारा वहाँ पे टेस्ट राइड मिल सकता है। तो ऑब्वियसली भाई एक बार टेस्ट राइड लो, उसके बाद तुम बाइक बाइक खरीद दो, उसके बाद बाइक बाय करो। तो ऑब्वियसली पहले तुम लोग को टेस्ट राइड लो, टेस्ट राइड लेने के बाद गाइस अच्छा लगा तो उसके बाद यार बाइक बाय करना, नहीं तो भाई मत करना। अगर भाई तुम्हारा अच्छा लगे तभी भाई बाय करो, ऐसा नहीं जो मैंने जो बोल दिया अच्छा है तो भाई ऐसा नहीं है, तुम्हारा अच्छा लगा तभी गाइस ये बाइक बाय करना, क्योंकि पैसा भाई तुम्हारा ही है। तो ऑब्वियसली भाई आज का वीडियो कैसे लगा ऑब्वियसली भाई कमेंट करके बता देना, थोड़ा सा अच्छा लगा तो भाई एक लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक के लिए चाहिए वो भी भाई कमेंट करके बता देना। ठीक है, सो गाइस चलो आज का वीडियो इतना ही एंड मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो गाइस टाटा बाय बाय।